इतना सा पॉडकास्ट और इतने सारे सवाल, सारे सवालों का मिलेगा जवाब। लॉन्च कर सकते हैं आप अपना पॉडकास्ट इन सिंपल तीन स्टेप्स को फॉलो करके। नंबर वन, प्लानिंग। नंबर टू, पैनिंग। नंबर थ्री, पब्लिश। पहले की पॉडकास्ट लॉन्च करने के इन तीन सिंपल स्टेप्स को मैं आपको समझाऊं। सबसे बड़ा सवाल, व्हाट इज अ पॉडकास्ट? पॉडकास्ट है क्या? एक्चुअली पॉडकास्ट एप्पल आईपॉड से लिया गया एक शब्द है। पॉड्स का मतलब होता है एक छोटा सा कास्ट। उस कास्ट में आप म्यूजिक फिल कर सकते हैं या फिर ऑडियो फिल कर सकते हैं। आजकल पॉडकास्ट जनरली ऑडियो फिल करके बनाए जाते हैं। ऑडियो का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी अनोखी बात, कोई एक ऐसा खास थॉट जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई मोटिवेशनल बात हो सकती है। इस तरह के पॉडकास्ट को लोग सुनना पसंद करते हैं। ये छोटी छोटी ऑडियो फाइल होती हैं जो आप किसी भी एक सर्वर पर अपलोड करते हैं और फिर उस सर्वर से पब्लिशिंग साइट्स जैसे कि एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, वहां से उनको पिक करती हैं और लोगों तक पहुंचाती हैं। लेकिन ये सारा प्रोसेस सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, करने में उतना ही आसान है। और आपके लिए मैं इसे स्टेप बाय स्टेप समझाती जाऊंगी। तो रेडी हैं आप अपना पॉडकास्ट लॉन्च करने के लिए? शुरू करते हैं। स्टेप नंबर वन, यानी कि प्लानिंग। पॉडकास्ट में प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हफ्ते में कम से कम एक बार आपको अपना एपिसोड रिलीज करना होगा और उस एपिसोड में ऐसा कोई कंटेंट होना चाहिए जो लोग सुनना पसंद करते हैं। एक, दो, तीन, चार, चार एपिसोड के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब आप अपना पॉडकास्ट किस टॉपिक पर बनाएं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पॉडकास्ट की प्लानिंग बहुत अच्छे से करें। लेकिन प्लानिंग करें कैसे? सवाल जवाब मेरे पास। पॉडकास्ट प्लानिंग में सवाल होते हैं कि आपका पॉडकास्ट किस कैटेगरी में होना चाहिए, आपके पॉडकास्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, पॉडकास्ट का नाम क्या होना चाहिए, आपके पॉडकास्ट के एपिसोड हफ्ते में एक बार रिलीज होने चाहिए या हर रोज रिलीज होने चाहिए, आपके पॉडकास्ट के एपिसोड की लेंथ क्या होनी चाहिए। इतने सारे सवाल, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा यहां पर। शुरू करते हैं। पॉडकास्ट प्लानिंग में सबसे आसान होता है कि आप ये डिसाइड करें कि किस कैटेगरी में आपको अपना पॉडकास्ट रिलीज करना है और उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको यहां पर लिस्ट कर रही हूं सात ऐसी कैटेगरीज जिनमें आप अपना पॉडकास्ट रिलीज कर सकते हैं। ये कैटेगरीज हो सकती हैं या फॉर्मेट्स हो सकते हैं। नंबर वन, टू गेन एजुकेशन। बहुत सारे लोग सुबह वॉक पे जाते वक्त, साइकिलिंग करते वक्त, जॉगिंग करते वक्त इस तरह के पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं जिनसे उन्हें किसी तरह की नॉलेज गेन हो, जैसे कि डिजिटल इन्फ्लुएंसर कैसे बने, अपनी वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक कैसे लेकर आए, एक ब्लॉग के लिए राइटिंग कैसे करें या फिर अपना पॉडकास्ट कैसे शुरू करें। इस तरह के टॉपिक्स पर भी आप अपना पॉडकास्ट बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट को लेकर लोगों तक एजुकेशन पहुंचाने के लिए अपना पॉडकास्ट बना सकते हैं। ये हुआ आपका फॉर्मेट नंबर वन एंड कैटेगरी नंबर वन। कैटेगरी नंबर टू, टू स्टे अपडेटेड विद द करंट इवेंट्स, यानी कि न्यूज फॉर्मेट पॉडकास्ट। न्यूज फॉर्मेट पॉडकास्ट में आप बॉलीवुड भी ले सकते हैं, पॉलिटिक्स भी ले सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग काम करते वक्त ऐसे पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं जिसमें उन्हें कुछ नॉलेज मिल रही हो, कुछ नए फैक्ट्स की जानकारी हो रही हो या फिर न्यूज पता चल रही हो। इस तरह का पॉडकास्ट आप हर रोज भी रिलीज कर सकते हैं और आपके एपिसोड की लेंथ 3, 5 या 10 मिनट रख सकते हैं। इसमें आप किस तरह के एक्सपर्ट को भी इनवाइट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स पर, नई रिलीज हो रही बुक्स पर, किसी ओटीटी कंटेंट पर आपका बहुत अच्छे रिव्यूज हैं या बहुत अच्छा कंटेंट है, तो आप इसमें अपना पॉडकास्ट तैयार कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर थ्री, पॉडकास्ट की ये कैटेगरी बहुत पॉपुलर है। इसे कहते हैं सेल्फ केयर या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। बहुत सारे लोग पॉडकास्ट इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू ओवरकम योर फियर, अपने डर से कैसे उभरें,
कॉन्फिडेंस कैसे गेन करें, अपनी आदत सुबह जल्दी उठने की कैसे बनाएं। बहुत सारे मोटिवेशनल कोचेस, लाइफ कोचेस, कई सारी बुक्स के ऑथर्स इस फॉर्मेट में और इस कैटेगरी में अपना पॉडकास्ट बनाते हैं। बाय द वे, मेरा पॉडकास्ट बेटर वर्जन विद मी इज ऑल्सो इन दिस कैटेगरी, यानी कि सेल्फ केयर एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मेरा पॉडकास्ट सभी लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है और जिसके लिंक मैंने यहाँ नीचे डिटेल में ऐड कर दिए। कैटेगरी नंबर 4, टू एनहांस द रिलेशनशिप्स। ये पॉडकास्ट का फॉर्मेट और कैटेगरी बहुत लोगों में पॉपुलर है। अगर आप एक रिलेशनशिप कोच की तरह काम कर सकते हैं, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप कोच को जानते हैं जिनके साथ आप अपना पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं, लव क्वेरीज हो गई, लव गेम्स हो गए, डेटिंग टिप्स हो गई, रिलेशनशिप एडवाइस हो गई, इस तरह की टॉपिक्स आप इस पॉडकास्ट में रिलीज कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट है। कैटेगरी नंबर 5, वैसे कैटेगरी नंबर 1 टू गेन नॉलेज एंड कैटेगरी नंबर 5 टू मूव अहेड इन करियर, ये काफी मिलती जुलती कैटेगरीज हैं। लेकिन करियर में अगर आप एज अ करियर काउंसलर अपना पॉडकास्ट रिलीज करना चाहते हैं तो बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी होगी और आपको बहुत अच्छी लिसनरशिप मिलेगी। बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सपोज बीएड करने के लिए उन्हें कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, क्या उन्हें किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी करना जरूरी है या नहीं है। इस तरह की क्वेरीज को लेकर भी आप अपना पॉडकास्ट रिलीज कर सकते हैं जो कि स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर होता है। पॉडकास्ट कैटेगरी नंबर 6, स्टे मोटिवेटेड। बहुत सारे लोग आजकल जिम में रनिंग करते वक्त, साइकिलिंग करते वक्त इस तरह के पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं जिनसे उन्हें मोटिवेशन मिले। बहुत सारे ऑथर्स, मोटिवेशनल कोचेस छोटी छोटी स्टोरीज के फॉर्म में अपना पॉडकास्ट रिलीज करते हैं। ये एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट है पॉडकास्ट रिलीज करने का। मोटिवेशन को लेकर हर कोई कुछ डिफरेंट कहानी सुनना चाहता है, किससे सुनना चाहता है, किसी एक्सपर्ट की बात सुनना चाहता है। इस फॉर्मेट में भी आप अपना पॉडकास्ट रिलीज कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 7, सिंपली जस्ट टू हैव फन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में वो फनी बोन है जो लोगों को टिकल कर सकती है, यानी कि आप में हंसाने की क्षमता है, तो स्टैंड अप कॉमेडियंस, बहुत सारे ऐसे रेडियो ड्रामास, ऑडियो ड्रामा इस तरह के पॉडकास्ट में रिलीज होते हैं। इसे एंटरटेनमेंट कैटेगरी भी कह सकते हैं। आप चाहें तो बॉलीवुड को लेकर भी अपना पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं और इस कैटेगरी में अपना पॉडकास्ट रिलीज कर सकते हैं। तो ये हुई 7 कैटेगरीज जिनमें आप अपना पॉडकास्ट रिलीज कर सकते हैं। इन फॉर्मेट में आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके पॉडकास्ट के लिए हर हफ्ते या फिर हर रोज कौन से नए टॉपिक हो सकते हैं। प्लानिंग का स्टेप नंबर 2, आपके पॉडकास्ट का नाम। अपने पॉडकास्ट का नाम सोचते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि वो किस कैटेगरी के हिसाब से है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पॉडकास्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ केयर की कैटेगरी में है, इसीलिए मैंने उसका नाम दिया है बेटर वर्जन विद मी, ताकि आसानी से देखते ही समझ में आए कि ये पॉडकास्ट आपको खुद के बारे में कुछ बताने जा रहा है। पॉडकास्ट का नाम बहुत जरूरी है कि आपकी कैटेगरी से और उसके कंटेंट से मेल खाता हुआ हो। प्लानिंग का स्टेप नंबर 3, आपके पॉडकास्ट के एपिसोड की लेंथ क्या होनी चाहिए। ऑन एन एवरेज आपके पॉडकास्ट की लेंथ 9 से 10 मिनट हो तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर आप अपना पॉडकास्ट हफ्ते में 2 बार या हर रोज रिलीज कर रहे हैं तो 3 से 5 मिनट भी रख सकते हैं। ऐसे कई पॉडकास्ट हैं जो 5 facts in 5 minutes, 5 news in 5 minutes रिलीज करते हैं और हर रोज रिलीज करते हैं, तो आप अपने पॉडकास्ट की लेंथ कम रख सकते हैं। अगला स्टेप आता है आपके पॉडकास्ट के एपिसोड लिखने का या उनके बुलेट पॉइंट्स बनाने का। इसके बारे में आपको बताऊंगी मैं अपने अगले वीडियो में, साथ ही बताऊंगी कि आपके पॉडकास्ट को आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत है, और अगर आपके पास माइक नहीं है तो बिना माइक के भी आप अपना पॉडकास्ट कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही तीसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि अपना पॉडकास्ट आप लोगों तक कैसे पहुंचाएं, और साथ ही अगर आप मुझसे एक पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं पॉडकास्ट, वॉइस ओवर या मीडिया रिलेटेड किसी भी क्वेरी को लेकर, तो नीचे मैंने मेरा एक लिंक शेयर किया है, उस पे आप मुझसे अपना एक पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हैप्पी पॉडकास्टिंग।